कि तृणमूल कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, समझ में आता है। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये सारे सेक्युलर क्यों अपने मुंह में दही जमा के बैठे? ये जितनी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्यों उस पर चुप हैं? क्योंकि उसे सेक्युलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब पुलिस का प्रोटेक्शन प्राप्त हो गया है। देखिए, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्दांत है। उस बंग भूमि के ऊपर ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय लिखने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया कि शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी था, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वो उनके संरक्षण में था और अब एक प्रकार से पुलिस के संरक्षण में आ गया। देखिए, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्दांत है, क्योंकि वहां महिलाओं के साथ सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार का अत्याचार और शोषण हुआ और उसके बाद उनकी भावनाओं का जैसा दमन हुआ, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल वह भूमि जहां हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जहां स्वामी विवेकानंद हुए, जहां रामकृष्ण परमहंस हुए और एक से एक बड़े क्रांतिकारी हुए, शचीन्द्रनाथ सान्याल, बागा जतीन, सूर्य सेन से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुझे लगता है उस बंग भूमि के ऊपर ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय लिखने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया है। और उससे दुख की बात यह है कि शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी था, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वो उनके संरक्षण में था और अब एक प्रकार से पुलिस के संरक्षण में आ गया है। मतलब मैं एक शब्द में कहना चाहूंगी, उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, समझ में आता है। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये सारे सेक्युलर क्यों अपने मुंह में दही जमा के बैठे? ये जितनी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्यों उस पर चुप हैं? क्योंकि उसे सेक्युलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब पुलिस का प्रोटेक्शन प्राप्त हो गया है, यानी उसे कानूनी संरक्षण देने के लिए बचाया जा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की, पश्चिम बंगाल की जनता की वेदना की अभिव्यक्ति है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेम के लिए, यानी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए किए गए निर्णय दूरगामी दृष्टि से कितने भयानक सिद्ध होते हैं। याद करिए, ये वही बंगाल है जहां नोआखली हुआ था आजादी के समय, और आज जो संदेश खाली है ये कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ बंगाल को ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम जो कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उसमें वेदना भी है और भविष्य के लिए एक संकेत और चेतावनी भी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।